बेटा इधर आ जाओ, देख लो, थोड़ा पढ़ लो। दिख रहा है तुझे? बैठ हटा ले, चार्जर हटा दे, बेड पे आ जाओ। उधर हो जाओ थोड़ी थोड़ी। बेटा सुनो यार, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने? रेप्लिकेशन पढ़ी थी। रेप्लिकेशन समझ में आ गई सबको? क्या होती है? पक्का कोई डाउट रेप्लिकेशन में? नहीं। ट्रांसक्रिप्शन, हेडिंग डालिए ट्रांसक्रिप्शन। एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर बोलो। डिफरेंस रह गया था। लिखवा तो दिया था कॉन्टिन्यूस और वो, उसमें लिखवा दिया था भाई जाते जाते। सर थोड़ी सी लाइन रह गई थी। बिल्कुल जितना लिखवाना था उतना ही लिखवा दिया बेटा। सर आपने लास्ट में बोला था कि रेप्लिकेशन के बारे में भी आप लिखवाओगे 5 मिनट्स स्टार्टिंग मिनट्स। क्या लिखना रह रहा है? एनसीईआरटी देना है एक बार, मैं देख लेता हूँ एक बार क्या रह रहा है लिखना। ये पकड़ टीए में कर रहा हूँ करके मत दिया। ये तो बता दिया रेप्लिकेशन तो रिक्वायरमेंट ऑफ। देखो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ तुम्हें। कहते हैं द लिविंग सेल सच एज ईकोलाई द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन रिक्वायर्स अ सेट ऑफ कैटालेस एंजाइम द मेन एंजाइम रिफर्ड टू एज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज सिंस इट यूजेस अ डीएनए टेम्पलेट टू कैटालाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं? द एंजाइम आर हाईली एफिशियंट एंजाइम एज दे हैव टू कैटेलाइज पॉलीमराइजेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। ईकोलाई हैज ओनली 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर। कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विद इन द 18 मिनट्स। दैट मीन्स द एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन हैड टू बी अप्रॉक्सीमेटली 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। Not only do these polymerization have to be fast, but they also have a catalyze the reaction with high degree of accuracy. अगर accuracy नहीं होगी तो क्या होगा? Mutation हो जाएगा, और mutation हो जाएगा तो क्या होगा? बोलो, character change हो जाएंगे, पापा का परा से पापा की परी बन जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? DNA change हुआ तो कुछ भी हो सकता है ना। अब मैं गौरव के अंदर X की जगह Y की जगह क्या लगा दूं? X लगा दूं, क्या हो जाएगा? XX, या फिर इसके अंदर एक एक्स्ट्रा एक्स लगा दूं तो इसके अंदर फीमेल कैरेक्टर आ जाएंगे। ठीक है जी। कहते हैं एनी मिस्टेक ड्यूरिंग रेप्लिकेशन वुड रिजल्ट इन टू म्यूटेशन। फर्दर मोर एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन इज वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट सर्व ड्यूअल पर्पस। इन एडिशन टू एक्टिंग एज अ सबस्ट्रेट दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ये पॉइंट नहीं बताया, बता दूंगा। इन एडिशन टू डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज मैनी एडिशनल एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। हेलिकेज, टोपो आइसोमरेज, ठीक है, डीएनए लाइगेज, ये बताया था ना मैंने एडिशनल एंजाइम्स। हेलिकेज हेलिक्स को खोलेगा, टोपो आइसोमरेज टेंशन को कम करेगा, डीएनए लाइगेज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ेगा। समझ में आ गया? जोड़ेगा। फॉर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल सिंस द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए कैन नॉट बी सेपरेटेड एंटायरली, पूरी की पूरी सेपरेट नहीं कर सकते। दर एप्लीकेशन आकर विद इन द स्मॉल ओपनिंग ऑफ डीएनए कॉल्ड रेप्लिकेशन फॉर्क। द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज 5' to 3'। ओके, फिर कहते हैं दिस क्रिएट सम एडिशनल, अच्छा फिर उसके बाद कहते हैं दिस क्रिएट सम एडिशनल कॉम्प्लिकेशन इन द रेप्लिकेशन फॉर्क
कॉन्सिक्वेंटली ऑन वन स्टैंड द टेम्पलेट पोलैरिटी विथ 3' to 5', जिसकी क्या है 3 से 5, यानी डीएनए पॉलीमरेज कर रहा है 5 से 3, ये क्या है 3 से 5, पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्टिन्यूस सिंथेसिस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, द रेप्लिकेशन इज कॉन्टिन्यूस वाइल द अदर द टेम्पलेट विथ पोलैरिटी 5' to 3', इट इज डिसकॉन्टिन्यूस, द डिसकॉन्टिन्यूस सिंथेसिस फ्रेगमेंट लेटर ज्वाइंट बाई दी डीएनए लाइगेज। ओके, दीज फ्रेगमेंट्स आर नोन एज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। द डीएनए पॉलीमराइजेस ऑन देयर ओन, कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, खुद से कभी स्टार्ट नहीं करता, दे रिक्वायर अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए नोन एज प्राइमर डीएनए। फिर उसके बाद कहते हैं सच, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, देयर इज अ डेफिनेट रीजन इन इकोलाई विद वेयर द रेप्लिकेशन ओरिजिनेट, सच रीजंस आर टर्म्ड एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इट इज बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दैट अ पीस ऑफ डीएनए नीडेड टू बी propagate during a recombinant DNA procedure requires a vector, the vector provide origin of replication। बेटा जब recombinant DNA technology पढ़ाऊंगा तुम्हें तब बताऊंगा कि जब हम एक इंसान से दूसरे, मतलब किसी बकरे का जीन किसी इंसान में डालते हैं या फिर किसी बैक्टीरिया का जीन किसी इंसान में डालते हैं, इंसान का जीन बैक्टीरिया में डालते हैं, तो वहां पर हमें वैक्टर की जरूरत पड़ती है, और वो वैक्टर क्या करता है ऑरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन प्रोवाइड करता है, ताकि डीएनए आसानी से क्या कर सके, रेप्लीकेट कर सके, क्योंकि हमने बीच में कोई पीस ऑफ डीएनए उठाया। अब हो सकता है उस पीस ऑफ डीएनए में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो भी या नहीं, मान ले मैंने आइस कलर का जीन उठाया, ग्रीन कलर की आइस का जीन उठाया है ना, और वो किसके अंदर डाल दिया, तुषार के अंदर डाल दिया। अब उस ग्रीन कलर का जो आई का जीन है वो एक छोटा सा सेगमेंट है, हो सकता है उसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो सकता है ना हो, ठीक है, तो हम उसे वैक्टर के साथ अटैच करते हैं, वैक्टर उसे क्या प्रोवाइड करता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रोवाइड करता है, ताकि वो आसानी से क्या कर सके, रेप्लिकेट कर सके। अभी इन पॉइंट को ब्रीफ करूंगा मैं दोबारा, कहते हैं फर्दर नोट एवरी डिटेल रेप्लिकेशन इज अंडरस्टूड वेल इन यूकेरियोट, द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस बाय एस फेज ऑफ द सेल साइकिल, बताया था मैंने तुम्हें 11th क्लास में कि एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होती है, ठीक है। कहते हैं द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड सेल डिवीजन साइकिल शुड बी हाईली कोऑर्डिनेटेड, अ फेलियर इन सेल डिवीजन आफ्टर अ डीएनए रेप्लिकेशन रिजल्ट इनटू अ पॉलीप्लॉइडी, अगर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हुई, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन हो गई और सेल डिवाइड नहीं करा, तो क्या हो जाएगा, डीएनए डबल हो जाएगा, तो पॉलीप्लॉइडी हो जाएगी, यानी क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाएंगे, ठीक है। यू विल लर्न डिटेल नेचर ऑफ ओरिजिन एंड प्रोसेस अकरिंग इन दी हायर क्लासेस, एनसीईआरटी को जब काटना होता है तो ये लिख देते हैं हायर क्लासेस, ठीक है जी भाई, तुम्हें ये पढ़नी है और बस उसके बाद शादी वादी करनी है, हो गया हायर क्लास, 12वीं पढ़ ली लड़के ने और क्या चाहिए। तो लिखो यार जो जो नहीं लिखा था लिख लो, एक तो वो लिखा था, देखो बेटा होता क्या है, ये जो रेप्लिकेशन फॉर्क होती है तुम्हें क्या करना है, डीएनए को खोलना है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए इन्हें खोलते हो तुम, इसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो क्या होता है यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड जो लगते हैं वो क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं नाम बताओ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, थाइमेडिन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, यही होते हैं ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, थाइमेडिन ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा थाइमोसिन मोनोफॉस्फेट, और साइटेडिन ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा साइटेडिन मोनोफॉस्फेट, है ना। तो यहाँ पे क्या निकलेगी, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी विल रिलीज, यहां से क्या निकलेगी, एनर्जी रिलीज होगी, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी विल रिलीज, ठीक है, यहां से बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। तुम्हें पता है हमारी बॉडी में एनर्जी करेंसी किसको कहते हैं, एटीपी सीटीपी जीटीपी और टीटीपी को, इन सबको एनर्जी करेंसी कहते हैं, इनके जो फॉस्फेट बॉन्ड होते हैं टूट के बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं। तो बेटा देखो जब मान लो यहाँ पर क्या है, जी लगा हुआ है, तो जी के अपोजिट क्या आएगा, सी, तो ये जो सीटीपी होगा ये सीएमपी में कन्वर्ट हो जाएगा और बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, उस एनर्जी से क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा और ये यहाँ पर आकर लग जाएगा। अब मान लो यहाँ पर टी है तो यहाँ पर क्या लगेगा, ए, तो एटीपी क्या करेगा, टूटेगा, एएमपी में कन्वर्ट होगा, एनर्जी रिलीज करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा और खुद आकर यहाँ पर लग जाएगा, समझ रहे हो। ये टूटा कैसे है, इन्हीं की मदद से तो टूटा है, इन्हीं की मदद से टूटा है, ये पहले कन्वर्ट हुए हैं एएमपी सीटीपी और सीएमपी जीएमपी टीएमपी में,
एनर्जी रिलीज करिए, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़े, फिर लगे। न्यूक्लियोटाइड्स, ये तो बेसिक पहली क्लास में बताया था। न्यूक्लियोटाइड्स, पहले न्यूक्लियोसाइड बनता है, फिर क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है जी, तो अब यहां पर क्या हुआ, न्यूक्लियोटाइड परफॉर्म ड्यूअल फंक्शन इन द केस ऑफ रेप्लिकेशन, दे एक्ट एज एनर्जी सोर्स एज वेल एज सबस्ट्रेट। एक बंदे का ईटो का काम है, वो ईटो से पैसा भी कमा रहा है और ईटो से अपना घर भी बना रहा है, तो ईट सबस्ट्रेट की तरह भी एक्ट कर रही है उसके लिए और पैसे के सोर्स की तरह भी एक्ट कर रही है। तो वैसे ये एटीपी यहाँ पर एनर्जी भी दे रहा है और खुद से ईट का काम भी कर रहा है, यानी सबस्ट्रेट का काम भी कर रहा है। तो लिख लो, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स इन द केस ऑफ रेप्लिकेशन, न्यूक्लियोटाइड्स इन द केस ऑफ रेप्लिकेशन, न्यूक्लियोटाइड्स इन द केस ऑफ रेप्लिकेशन परफॉर्म ड्यूअल फंक्शन, परफॉर्म ड्यूअल फंक्शन, परफॉर्म ड्यूअल फंक्शन, परफॉर्म ड्यूअल फंक्शन, दे एक्ट एज अ सबस्ट्रेट, दे एक्ट एज अ सबस्ट्रेट एज वेल एज दे प्रोवाइड एनर्जी, दे एक्ट एज अ सबस्ट्रेट एज वेल एज दे प्रोवाइड एनर्जी। दे एक्ट एज एनर्जी सोर्स एज वेल एज, बोलो, दे प्रोवाइड एनर्जी एज वेल एज दे एक्ट एज अ सबस्ट्रेट। ठीक है, और क्या पॉइंट नहीं लिखवाया था मैंने इसमें, कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस लिखवा दिए थे, डीएनए रेप्लिकेशन के सारे पॉइंट लिखवा दिए थे, डीएनए पॉलीमरेज के सारे पॉइंट लिखवा दिए थे कि 5' to 3' कोड करता है, पूरा नाम क्या होता है, कितने बेस पेयर लगाता है, ये सब लिखवा दिया था। एक वेक्टर वाला पॉइंट लिख लो नोट डाल के, इन द केस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इन द केस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वेक्टर प्रोवाइड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इन द केस ऑफ, इन द केस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इन द केस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या होता है, बोलो, वेक्टर प्रोवाइड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वेक्टर प्रोवाइड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब वेक्टर क्या होता है क्या नहीं होता है मैं तुम्हें बताऊंगा किसमें, बायोटेक में, इसके बाद बायोटेक ही शुरू करेंगे। हाँ, 7 चैप्टर आ नहीं रहा तुम्हारा, फर्स्ट टर्मिनल में कहाँ तक आ रहा है, यही आ रहा है ना फर्स्ट टर्मिनल में, ये वाली यूनिट आ रही है ना, फिर उसके बाद डायरेक्ट हम लोग बायोटेक शुरू करेंगे, अभी कर लेंगे। प्रोवाइड एनर्जी, प्रोवाइड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है जी, डबल एनर्जी देता है जब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तो सिंगल एनर्जी मिलती है। ठीक है, फिर जब वो ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तो और ज्यादा एनर्जी मिलती है, तो दो दो बार एनर्जी मिलती है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। सर एवोल्यूशन वाला चैप्टर फिर बाद में कराओगे क्या बेटा? सर एवोल्यूशन वाला चैप्टर बाद में कराओगे? इवोल्यूशन यार तुम्हारे सिलेबस में नहीं है इस बार, करना है कर लेना, इवोल्यूशन तुम्हारे बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, नीट सर, नीट के लिए है। इवोल्यूशन से दो क्वेश्चन आए थे, दो आए थे ना, एक तो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का था और एक वो हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल के ऊपर आया था, पता नहीं उधर तो आए 3 बच्चे भी 360 दूसरे वाले सेंटर पे, यहाँ के बच्चे पढ़ते लिखते नहीं थे, इस बार वालों के सबके 360 तो नहीं 350 तो आएंगे पक्का, जो अब नीट का बैच बनाऊंगा, क्योंकि 11वीं 12वीं मेरे पढ़ाए हुए बच्चे। मैं पिछली बार काफी बच्चों के थे 330 से ऊपर नंबर मेरे बच्चों के। एक अंकल ने मुझे बोला था मेरी बच्ची के सिर्फ
150 नंबर दिलवा दो, मैं तुम्हें 1.5 लाख रुपये, क्योंकि बच्ची के 300 नंबर आए। हाँ वो तो पैसों से ही करवाएंगे मेडिकल कॉलेज में, 70-80 लाख मिनिमम। हाँ बोलते रहो, 70-80 लाख मिनिमम। सर कितने नंबर पे कितने लाख कह रहे थे वो? कितने नंबर पे कितने लाख नहीं होता, मुझे बोला था कि 100 मतलब 150 नंबर तक दिलवा दो, 1.5 लाख रुपए दूंगा आपको। 150 नंबर यानी पढ़ा के दिलवा दूंगा, ऐसे नहीं। तो आपने फिर 3 लाख मांगे सर? 3 लाख नहीं, 1.5 लाख सर। आए तो 300 नंबर है ना सर? तो उन्होंने दे दिए मुझे 1.5 लाख दे दिए थे मुझे, गाड़ी तभी तो ली थी मैंने, उन्होंने मुझे पहले ही कैश दे दिया था, एडवांस में पेमेंट करी थी 1.5 लाख सर। 50,000 दिए थे एडवांस में, 50,000 बाद में दिया, 50,000 दे सर। हाँ सर, इसमें प्राइमर है जो आपने सी और ए बनाया, ये जो बनाया ना मैंने इनिशियली, ये जो लगाया ये प्राइमर लगाया, उसके बाद मैं तुम्हें न्यूक्लियोटाइड लगा रहा हूँ जो कि डीएनए पॉलीमरेज लगा रहा है, ठीक है। अब जहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम लगाया था ना, वहां पर लिखो डीएनए पॉलीमरेज, जहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज लिखवाया था ना शुरू में, पॉइंट लिखवाए थे इसके 5' to 3' करता है, पूरा नाम लिखवाया था, स्पीड लिखवाई थी, वहां पर लिखो डीएनए पॉलीमरेज इटसेल्फ, डीएनए पॉलीमरेज इटसेल्फ नॉट एबल टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ, नॉट एबल टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ DNA polymerase not able to itself not able to start the process of replication. They require small piece of RNA as a primer, small piece of RNA as a primer which provide free hydroxyl group जो कि क्या प्रोवाइड करवाता है, फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रोवाइड करवाता है टू दी डीएनए, व्हिच प्रोवाइड फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप टू दी डीएनए, जो कि डीएनए को फ्री डीएनए पॉलीमरेज को फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रोवाइड करवाता है, व्हिच प्रोवाइड फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप टू दी डीएनए पॉलीमरेज, हाइड्रोक्सिल व्हिच प्रोवाइड फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप टू दी डीएनए पॉलीमरेज, ताकि वो आसानी से क्या बना सके, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना सके, क्योंकि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे कैसे बनता है, 3 से 5 की तरफ, मैं तुम्हें लास्ट टाइम ही 3 से 5 और 5 से 3 का कंसेप्ट क्लियर करता हूँ, ठीक है। मैंने तुम्हें बोला कि बेटा ध्यान से सुनना, ये 3 से 5 में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है और डीएनए पॉलीमरेज जाता है 5 से 3, ये कंसेप्ट लास्ट टाइम बता रहा हूँ। ये शुगर है, ये दूसरी शुगर है, इसके 3 एंड पर क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और ये इसका 5वां है, यहाँ पर क्या है, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, ठीक है जी। ये 3 कार्बन है इसका, और यहाँ पर इसका क्या है, यहाँ पर इसका फॉस्फेट ग्रुप है, समझ में आ गया। अब डीएनए पॉलीमरेज, और यहाँ पर क्या है इसका, ओएच ग्रुप है, डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, 3 कार्बन के ओएच को इसके फॉस्फेट के साथ जोड़ देगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, क्या बन जाएगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। और डीएनए पॉलीमरेज, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहां से कहां बना, 3 से 5 की तरफ, 3 वाले को जोड़ दिया 5 से, और डीएनए पॉलीमरेज ने कहां से कहां कोड करा, 5 से 3 की तरफ, 5वें पे क्या खाली है, फॉस्फेट, और 3रे पे क्या खाली है, OH। तो कोई तुमसे पूछेगा कि डीएनए पॉलीमरेज कहां से कहां जाता है, तो तुम बोलोगे 5 से 3 की तरफ। कोई तुमसे पूछेगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहां से कहां बनता है, तो तुम बोलोगे 3 से 5, यानी 3रे कार्बन का OH जाकर ज्वाइन करेगा 5वें कार्बन के फॉस्फेट के साथ, समझ में आ गया। अरे बोलो ऑनलाइन वालो, यस सर। ध्यान रखना इन चीजों का, छोटी छोटी सी चीजें इंपॉर्टेंट बहुत होती हैं।
सर इससे पेपर में क्वेश्चन आता है अरे यार फॉस्फोडाइस्टर क्यों बोलते हैं तुझे बताया तो था इस पे क्यों यार दो के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बनता है ना तो बना तो है भाई इसका बॉन्ड बना तो हुआ है यहाँ पर इसका अपना डबल बॉन्ड हो और वह पागल है यार तू मैं पूरा बना बना के हर चीज में थोड़ी ना दिखाऊंगा ये पी ओ सी बॉन्ड है फिर उसके बाद ये जाकर जुड़ेगा ये डबल बॉन्ड ओ है फिर उसके बाद ये भी पीओसी बॉन्ड है तो पीओसी क्या हो गया फॉस्फोडाइस्टर ये एक पीओसी बॉन्ड हो गया और ये एक पीओसी बॉन्ड हो गया पूरा नहीं दिखाया ना मैंने तुम्हें सो दिस इज द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इतना दिमाग नहीं लगाना तो डायग्राम बनाने की गलती है समझ में आ गया हेडिंग डालो ट्रांसक्रिप्शन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ The process of formation of इधर आ जा आगे कर ले चेयर The process of formation of The process of formation of The process of formation of RNA from the DNA is known as transcription. क्या होता है बेटा जो तुम्हारा DNA होता है उससे क्या बन जाता है हाँ mRNA बनता है messenger RNA. The process of formation of RNA from the DNA is known as transcription. Enzyme RNA polymerase. एंजाइम कौन सा चाहिए होता है बेटा आरएनए पॉलीमरेज ठीक है जी कौन सा एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज पूरा नाम बताओ डीएनए डिपेंडेंट क्योंकि नया आरएनए बनने के लिए किस पे डिपेंड कर रहा है डीएनए पे तो डीएनए डिपेंडेंट हाँ ऐसे होता है देख नाम रटना नहीं है नया आरएनए बन रहा है कौन बनाना है कौन बना रहा है आरएनए पॉलीमरेज बना रहा है नया आरएनए कौन बना रहा है अरे पागल सालो नया आरएनए कौन बना रहा है आरएनए पॉलीमरेज और नया आरएनए बनने के लिए किस पे डिपेंडेंट है डीएनए को रीड करेगा और फिर क्या करेगा नया आरएनए बनाएगा तो दैट्स व्हाई द आरएनए पॉलीमरेज इज डिपेंडेंट अपॉन डीएनए तो पूरा नाम क्या रखते हैं हम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बेटा इट आल्सो कोड्स फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम इन प्रोकैरियोट्स देयर आर ओनली सिंगल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट्स देयर इज ओनली सिंगल वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज व्हिच कोड्स फॉर बोलो एमआरएनए तीन तरीके के आरएनए होते हैं एमआरएनए टीआरएनए एंड आर आर एन ए बट यूकैरियोट्स हैव सेपरेट यूकैरियोट्स हैव ये प्रोकैरियोट्स के लिए हो गया और अगर मैं यूकैरियोट्स के लिए बोलूं तो एमआरएनए के लिए देयर इज आरएनए पॉलीमरेज एक मिनट एमआरएनए के लिए क्या है टीआरएनए के लिए आरएनए पॉलीमरेज 3 है इन ए सीक्वेंस में लिखा आरएनए पॉलीमरेज वन देखना किसके लिए आरआरएनए के लिए ना सर आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए कौन सा है बेटा आरएनए पॉलीमरेज वन ठीक है उसके बाद एमआरएनए एमआरएनए के लिए क्या है यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज टू और
टीआरएनए, इसके लिए क्या है बेटा, आरएनए पॉलीमरेज 3, एक बार यार कंफर्म कर लो, ठीक है, हो सकता है मैं कंफ्यूज हो गया हूं। गोविंद जी इतना लेट आने का फायदा भी क्या हुआ बेटा, इतना तो लेट तूने एंट्री लिया है। उतारो बेटा ट्रांसक्रिप्शन के लिए सारी बात, मैंने भी लगाया था चार्जर, मेरा भी नहीं है 2%। मस्कर चार्जर यूज क्या जरूरत है, फोन रख दे सारा बना के ऊपर जाके। क्या बेटा, हाँ सीरीज वाइज लिखा है इसीलिए तो मिटा के लिखा है, चेक कर लो एनसीईआरटी से, तुम्हारे पास है तो एनसीईआरटी, यू ऑल हैव एनसीईआरटी, ये रहा। देखो ठीक तो यार, सही तो बोला है, यस सर, तो इसका मतलब कि प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज़ जो है वो आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए तीनों के लिए बना लेता है। ओके, और यूकैरियोट्स में देयर इज अ सेपरेट आरएनए पॉलीमरेज़ एंजाइम। देखो इट्स लाइक दैट कि जब हम पहले थे तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों एक ही बंदा पढ़ा देता था, है ना, हम छोटे छोटे ट्यूशंस में जाते थे और वहां पर हमें फिफ्थ क्लास का ट्यूशन लगवाना है जी, वही मैम एसएसटी पढ़ा रही है, वही मैम साइंस मैथ्स इंग्लिश सब पढ़ा रही है, फिर थोड़ा स्पेसिफिकेशन बढ़ा, है ना, स्पेसिफिकेशन में क्या हुआ, मैथ्स साइंस का अलग टीचर हो गया, एसएसटी और इंग्लिश का अलग हो गया, फिर उसके बाद ट्यूशन और हायर लेवल पे गए, वहां पर बायो के टीचर्स अलग हो गए, फिजिक्स के अलग हो गए, केमिस्ट्री के अलग हो गए, फिर और हायर लेवल पे गए हम, तो क्या हुआ यूनिट वाइज टीचर आ गए, जेनेटिक्स अलग टीचर पढ़ा रहा है, ये अलग टीचर पढ़ा रहा है, वो अलग टीचर पढ़ा रहा है, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में एक टॉपिक अलग टीचर पढ़ाता है, एक टॉपिक अलग टीचर पढ़ाता है, ऐसे होता है, हर कोई बंदा अपने टॉपिक का स्पेशलिस्ट है, ठीक है, ट्यूमर यहाँ का ट्यूमर ये पढ़ाएगा, वहां का ट्यूमर ये पढ़ाएगा, इधर का ट्यूमर वो पढ़ाएगा, फिर सीए बंदा पढ़ाएगा, वो बंदा पढ़ाएगा, ठीक है, तो टॉपिक, हाँ टॉपिक होते हैं उनके कि ये टॉपिक ये बंदा पढ़ाएगा, तो इतना ज्यादा स्पेसिफिकेशन बढ़ जाता है, तो वैसे ये यूकैरियोट्स आर दी हायर ऑर्गेनिज्म, है ना, दे हैव अ सेपरेट आरएनए पॉलीमरेज फॉर सेपरेट आरएनए, ठीक है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। नाउ इन अवर बॉडी आरआरएनए इज द मोस्ट अबंडेंट आरएनए इन अवर बॉडी, जिपमर 2013, जिपमर 2014 में क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग arrange the following RNA according to their concentration in our body. So rRNA is the most abundant, then mRNA, then tRNA. लिख लो इसी सीक्वेंस में, हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला RNA कौन सा है, rRNA, then mRNA, then tRNA. Thank you.
बेटा समझ में आ रहा है? अरे बोलो। यस सर। अब हेडिंग डालो, हेडिंग डालो ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। अभी तो ऐसे मजे ले रहा था मैं, अब मेन ट्रांसक्रिप्शन शुरू करवा रहा हूँ किसके अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर। अब बेटा देखो, अच्छा अभी अभी थोड़ा जर्नल बचा हुआ है, इसमें ना हमें जर्नल बहुत सारा पढ़ना है, यानी बेसिक बेसिक बातें बहुत सारी पढ़नी है। डीएनए के अंदर क्या था कि दोनों की दोनों स्ट्रैंड, जब रेप्लिकेशन हो रही थी दोनों की दोनों स्ट्रैंड ओपन हो रही थी और दोनों नए डीएनए के लिए कोड कर रही थी, यानी ये तुम्हारा डीएनए, ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गई, यहाँ पर भी प्राइमर अटैच हो गया, यहाँ पर भी अटैच हो गया और दोनों नया डीएनए बना रही थी, ऐसे ही हो रहा था। बट आरएनए के केस में ओनली वन स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड, एक ही स्ट्रैंड क्या करती है कोड करवाती है, दूसरी सिर्फ डायरेक्शन बताती है, यानी डीएनए की दो स्ट्रैंड से क्या बनेगा, एक सिंगल आरएनए बनेगा, एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा। कैसे होता है देखो, ये डीएनए की एक स्ट्रैंड है और ये दूसरी है, एक रन कर रही है 3' to 5' और एक रन कर रही है 5' to 3'। ठीक है, वो तो रेप्लिकेशन के केस में था। अब ट्रांसक्रिप्शन बता, ट्रांसक्रिप्शन में जो 3' to 5' जाती है ये होती है मेन स्ट्रैंड, इसे हम बोलते हैं टेम्पलेट। क्या बोलते हैं? टेम्पलेट। और ये जो 5' to 3' जाती है इसे हम क्या बोलते हैं? कोडिंग। क्या बोलते हैं? कोडिंग। समझ में आ गया? 3' पर तुम्हारा प्राइमर आके लगता है, ठीक है, 3' पर तुम्हारा प्राइमर आकर लगता है इधर। अभी देखो एक चीज और समझो पहले, ऑल द डायरेक्शंस आर टेकन अकॉर्डिंग टू द कोडिंग स्ट्रैंड। जितनी भी डायरेक्शन लेंगे हम वो किसके अकॉर्डिंग लेंगे? कोडिंग स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल आरएनए पॉलीमरेज रन करता है 5' to 3', तो यहां से यहां रन करता है या यहां से यहां? यहां से यहां, क्योंकि डायरेक्शन किसके अकॉर्डिंग लेनी है? कोडिंग स्ट्रैंड की तरफ। तो 5' to 3', ये आरएनए पॉलीमरेज का डायरेक्शन है, किसके किससे लिया हमने डायरेक्शन? कोडिंग। जितने भी डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा वो कौन करेगा? कोडिंग स्ट्रैंड। समझ में आ गया? प्रमोटर रीजन, यानी जहां से नया आरएनए बनना स्टार्ट होना है वो कहां पर है? टुवर्ड दी 5' एंड, यानी यहां पर है। तो अब भी डायरेक्शन किससे ली? कोडिंग से, क्योंकि प्रमोटर की लोकेशन मैंने कहां पे बताई? 5' की तरफ, ये नहीं बोला 3' की तरफ। लोकेशन मैं कहां से ले रहा हूं? लोकेशन मैं कहां से ले रहा हूं? बोलो, कोडिंग से। तो इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूं? 5'। अब यहां पर खींच दो, ये क्या है? टर्मिनेटर रीजन, जहां पर आरएनए बनना बंद हो जाएगा। तो किस साइड बंद होता है? 3' की तरफ या 5' की तरफ? 3' की तरफ, क्योंकि डायरेक्शन किसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं? कोडिंग स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो डीएनए की जो दोनों स्ट्रैंड होती है वो अपने आप को डिवाइड कर लेती है, एक टेम्पलेट की तरह एक्ट करती है और एक कोडिंग की तरह। पहले डायरेक्शन देख लेते हैं, तो प्रमोटर रीजन कहां पर प्रेजेंट है? 5', टर्मिनेटर 3', और आरएनए पॉलीमरेज कहां से कहां कोड कर रहा है? 5 to 3। दीज ऑल डायरेक्शन आर टेकन अकॉर्डिंग टू द कोडिंग स्ट्रैंड। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड? बेटा ये डीएनए पे कोडिंग है, सी सी जी टी सी जी सी सी ए ए ए ए टी 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 सी जी सी। क्या ये वाला? मैंने ऐसे लिख दिया रैंडम। ठीक है जी, ओके। अरे बोलो, पक्का? तो बेटा जो बेस पेयरिंग होगी, अब यहां पर भी होगा कुछ ना, ये डीएनए की दूसरी स्ट्रैंड है, इस पे क्या होगा? एक ही जगह टी जी सी ए जी सी जी जी टी 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 ए ए ए
जी सी जी। अब दुविधा कि नया आरएनए इसके अकॉर्डिंग बनाए या फिर इसके अकॉर्डिंग बनाए, ये दुविधा पड़ गई। तो हमने पहले से ही क्लियर कर लिया कि कोडिंग जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम जा रही हो, कोडिंग स्ट्रैंड है वो सिर्फ डायरेक्शन देगी, उसका कोडिंग से कोई रिलेशन नहीं है। कोडिंग स्ट्रैंड का कोडिंग से कोई रिलेशन नहीं है। समझ में आ गया? ओके, तो बेस पेयरिंग कौन करेगा, कोडिंग कौन करेगा? टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो यहां पर बेस पेयर किसके अकॉर्डिंग अटैच होंगे? टेम्पलेट के अकॉर्डिंग। एक ही जगह गलत, ये आरएनए बन रहा है, आरएनए में टी नहीं होता, यू होता है। तो एक ही जगह यू, ठीक है। ये जो स्ट्रैंड, ये जो आरएनए बनेगा ना, ये सेम इसकी तरह होगा, क्योंकि ये वाली, ये जो कोडिंग बनी ये भी इसके अकॉर्डिंग बनी, नया आरएनए भी इसके अकॉर्डिंग बन रहा है, तो दोनों सेम होंगी। फर्क क्या होगा? बस टी की जगह क्या होगा? यू होगा। वेरी गुड। तो बताओ जी सी ए, बोलो जी सी जी जी यू 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 ए ए ए। अब बोलो जी सी जी। वेरी गुड, समझ में आया? तो बेस पेयरिंग अकॉर्डिंग टू, अरे बोलो यार, बेस पेयरिंग अकॉर्डिंग टू टेम्पलेट विच इज रनिंग फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम। जो अच्छे काम होंगे ना, वो हमेशा 3 से 5 की तरफ होंगे, 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाली स्टैंड पे। कंटिन्यूअस सिंथेसिस भी कहां हो रही थी? 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाली पे। आरएनए भी किस पे बन रहा है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाली पे। समझ में आ गया? लिखो इसे फटाफट, छोटा कर ले रे। सर वैसे कर दो। Excuse me, sir. Excuse me, sir. Excuse me, sir. तो
Excuse me, sir. क्लास ओवर हो गई नहीं अभी तो स्टार्ट हुई ये क्या स्पीकर का होता है अबे मैं डीएनए दे रहा हूँ तुम्हें ठीक है एक डीएनए दे रहा हूँ तुम्हें आरएनए बनाना है उससे ठीक है देखते हैं तुम कितना समझ पाए चीजों को ठीक है जी फिर एक आरएनए दूंगा उससे डीएनए बनाना होगा आरएनए से डीएनए बनाना है या डीएनए से आरएनए तो डीएनए से आरएनए ही बनाना है तुम्हें बेटा आरएनए बना के दिखाओ इससे पहले मार्क करो टेम्पलेट कौन सी है कोडिंग कौन सी है दोनों मार्क करने के बाद फिर तुम लोग आगे बढ़ना ठीक है पहले क्या आपको लिखा जीटीसी करो नीचे वाली टेम्पलेट होगी और ऊपर वाली कोडिंग कोडिंग होगी अब बनाओ आरएनए
आरएनए किसके अकॉर्डिंग बनेगा? टेम्पलेट के अकॉर्डिंग, नीचे वाली स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग क्या बनेगा? आरएनए। अरे किस किस को समझ में आ गया बेटा? मेरी बात सुनना ध्यान से, कोई घबराने वाली बात नहीं है इसमें। देखो, अरे वेरी गुड, एक मिनट देखो। हाँ इधर देखो ध्यान से, ये रन कर रही है 3' to 5' और ये रन कर रही है 5' to 3'। तो ये हो गई तुम्हारी टेम्पलेट, और ये वाली क्या हो गई? कोडिंग। ये हो गई टेम्पलेट और ऊपर वाली हो गई कोडिंग। समझ में आ गया? कोई दिक्कत बोलो। नीचे टेम्पलेट, ऊपर कोडिंग। अब नया आरएनए किसके अकॉर्डिंग बनेगा? टेम्पलेट के अकॉर्डिंग। तो आरएनए क्या बनेगा? सी की जगह जी, ए की जगह यू, जी की जगह सी, सी की जगह जी, जी जी सी, सी सी सी, बन गया नया आरएनए। ठीक है जी, अब मैं तुम्हें एक आरएनए दूंगा, उससे तुम्हें डीएनए बनाना है। एक आरएनए दूंगा, उससे तुम्हें क्या बनाना है? डीएनए। ठीक है, देखो एक आरएनए दे रहा हूं, तुम्हें डीएनए बनाना है। अरे यार ये जो आ रहे हैं, नहीं वो डालते हैं वो कोडी को देख के डालेंगे तो ये क्या है? ए यू है। मैं चार बार एक बार क्या, चार बार यू, चार बार ए, फिर ये वाला जो है ये भी ए है, ये भी ए है, फिर उसके बाद ये यू है, फिर सी 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 है, फिर जी 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 है, फिर सी ए यू है, फिर उसके बाद सी जी सी। बनाओ, इससे डीएनए बनाना है तुम्हें, इसे ध्यान रखना, बस इसे ध्यान रखना। अगर इसे ध्यान नहीं दिया तो पंगे में पड़ जाओगे भाई। थोड़ा छोटा गैप रखो सर, नया आरएनए बनाओ फटाफट। जी जी